हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही रियलमी 3 प्रो के लिए एक नया अपडेट आया था। उस अपडेट का वर्जन था C.05 का। कई सारे यूज़र कई दिनों से वेट कर रहे थे कि ये अपडेट कभी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फाइनली अपडेट सभी लोग को देखने के लिए मिल गया। तो अब इस अपडेट में कई सारे ऐसे बग्स थे जो फिक्स कर दिए गए थे, मगर दोस्तों अब 2-3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और जितने भी Realme 3 Pro के यूज़र है इस अपडेट को यूज़ कर चुके हैं और उन्हें नोटिस भी किया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि इसको अपडेट करने के बाद अब 2-3 दिन तो हो गए हैं, तो अब इसमें क्या सही में वो सारे बग फिक्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, तो चलिए आपको मैं इसी वीडियो में आपको उस बारे में सब कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों, Realme 3 Pro के लिए जो नया अपडेट आया था C.05, उसमें काफ़ी सारे चेंज लॉग में आपने देखा होगा, कैमरा फिक्स, बैटरी फिक्स, कई सारी चीज़ें फिक्स की गई थी। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Realme 3 Pro के लिए C.05 का जो अपडेट आपने किया है, उस अपडेट में थोड़ी सी बैटरी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हालांकि इतनी नहीं आ रही है। हाँ, पिछले अपडेट से काफ़ी अच्छी बैटरी है, काफ़ी ठीक ठाक बैटरी है। अगर आप कोई गेमिंग वगैरह खेलोगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है उसमें, बाकी आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से बैटरी में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये अपडेट में बैटरी पिछले अपडेट से काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हम एकदम उसे बेस्ट बैटरी कह सके, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैटरी में, मतलब आप गेमिंग के रिगार्डिंग ही आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इशू की। तो दोस्तों, हीटिंग इशू अभी भी है इसमें, हीटिंग इशू अभी भी नहीं गया है। पिछले अपडेट में तो थी हीटिंग इशू, मगर अभी थोड़ी कम है, लेकिन वही मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप कोई गेमिंग वगैरह खेलते हो दोस्तों, तो उसमें हीटिंग इशू आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो हीटिंग इशू की प्रॉब्लम अभी भी बीच बीच में नज़र आ रही है। अगर आपको भी आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, कैमरा की बात करूँ तो कैमरा इसमें काफ़ी अच्छा किया गया है, पिछले अपडेट से कई ज़्यादा अच्छा बेटर कैमरा है इस अपडेट में, मस्त कैमरा है, काफ़ी तगड़ा कैमरा है, क्लियरिटी अच्छी इंप्रूव की गई है, अच्छा खासा कैमरा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, फ्रंट में कैमरा काफ़ी क्लियरिटी बढ़ा दी गई है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ, मतलब कैमरे के रिगार्डिंग इसमें कोई आपको शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छी तरीके की कैमरा क्वालिटी इसमें इंप्रूव कर दी है C.05 के नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो बेफिक्र होकर आप कैमरा यूज़ करिए, आपको किसी तरीके की इसमें कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी दूसरी, अगर इसमें और अदर कोई अदर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जैसे UI किस तरीके से वर्क कर रहा है, कोई ऐप स्टक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तो दोस्तों इसमें कोई इसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही, एकदम क्लीन UI है, एकदम स्मूथली रन कर रहा है, कोई हैंग लैग इशू नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐप स्टक नहीं हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस थोड़ी सी बैटरी रिगार्डिंग या थोड़ी सी हीटिंग इशू प्रॉब्लम नज़र आ रही है दोस्तों, तो उसे जल्द से जल्द अगले अपडेट में फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये अपडेट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी ठीक ठाक है। हाँ, पिछले अपडेट से तो लाख गुना अच्छा है, मगर ये नहीं बोलूँगा कि ये भी अपडेट काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मैं इतना ही बोलूँगा ये अपडेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने, अगर Realme 3 Pro के यूज़र जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने C.05 का अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर सकते हो आप, क्योंकि पिछले अपडेट से काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल अपडेट करिए इसको। और जिनको ये अपडेट अभी भी नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट कर लेना यार, आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा, या फिर मैन्युअली आ जाएगी तो आप मैन्युअल से भी आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ Realme 3 Pro के C.05 के अपडेट के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता चला होगा इस वीडियो के ज़रिए। अगर सही में वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।